इंदौर में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इंडियन ऑयल डिपो एजेंट के घर डकैती की घटना के बाद अब कनाड़िया थाना क्षेत्र में डकैती की कोशिश करने का मामला सामने आया है, जिसमें धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने बैंक एजेंट के घर डकैती की कोशिश की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस को दे रहे हैं चुनौती। बाणगंगा थाना क्षेत्र में बैंक एजेंट के घर हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसने का किया प्रयास। सेंसर लॉक की वजह से बदमाश घर में नहीं घुस पाए। घर के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर 1,25,000 रुपए लेकर बदमाश हुए फरार। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद आमजन ये उम्मीद कर रहे थे कि इंदौर में गंभीर अपराधों से राहत मिलेगी, लेकिन अपराधी बेखौफ गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन ऑयल डिपो मैनेजर के घर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों तक अभी पुलिस पहुंची भी नहीं कि 24 घंटे के भीतर ही कनाड़िया थाना क्षेत्र में डकैती की घटना का एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया। कनाड़िया थाना क्षेत्र में बाईपास से लगी पौश कॉलोनी में बैंक एजेंट के घर में देर रात 4 से 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने कटर से खिड़की काटकर घर में घुसने का प्रयास किया। सेंसर लॉक होने की वजह से बदमाश घर में नहीं घुस पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नकाबपोश बदमाश किस तरह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और घर में घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके सामने कोई आ जाए तो जान लेने से भी ये नहीं चुकेंगे। नकाबपोश बदमाश जब घर में घुसने में कामयाब नहीं हो पाए तो घर के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर गाड़ी में रखे 1,25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। कुल मिलाकर एक के बाद एक शहर में हो रहे अपराधों के बाद अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।